ख्याल रखना, ठीक है? मैं बस कैफे जा रही हूँ, बस कुछ देर के लिए जाऊंगी और फिर वापस आ जाऊंगी मैं। इस तरह मुझे भी सुकून रहेगा। चलो। आई आई आई। आई, मेरी जान, मैंने तुम्हें कितना याद किया। एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया है मेरा तुम्हारे बगैर। तुमने मुझे याद किया, बताओ मुझे मेरी जान। ओए ओए ओए। श्यामा मैडम, आप इसके पास ही बैठी है ना, तो मैं किचन में जाके कुछ काम देख लूं। ठीक है ठीक है, आपके अपने जो भी काम है वो आप कर सकती हैं, बेफिक्र हो जाएं। मैं यहाँ हूँ इसके पास। अच्छा, इसका मतलब है श्यामा ने छुट्टियां ले ली। चलो अच्छा है, ये उसकी सेहत के लिए ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल यार, मैंने भी बल्कि श्यामा से यही कहा था। मैं अभी माँ बनी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसने क्या खोया है। हाँ। जी तो ना साहबा। सिबिल मैडम, वो मैं बेबी को आपकी दोस्त की गोद में देकर खाना बनाने चली गई थी किचन में, और जब मैं वापस आई किचन से तो देखा कि श्यामा मैडम और बेबी नहीं है। क्या मतलब वो वहाँ नहीं है? मैंने पूरा घर देख लिया है, वो कहीं भी नहीं है। शर्मा मैडम जो सूटकेस लेकर आई थी वो भी नहीं है यहाँ। कहीं जाने का उन्होंने नहीं बताया मुझे। कौन नहीं है, क्या हो गया सिबिल? बाबर खान। सिबिल क्या हुआ, बाबर घर पर नहीं है क्या? यार मैं भी तो यही थी शामिल, मुझे क्या पता है। तुले कह रही है कि वो किचन में गई थी और जब वो वापस आई तो बाबर और शर्मा दोनों नहीं थे वहाँ पर। क्या मतलब है नहीं थे? चिल्लाओ मत, मुझे क्या पता। ठीक है तुले, मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। ठीक है, बस परेशान होने की जरूरत नहीं, हो सकता है शायमा उसे बस बाहर घुमाने के लिए लेके गई। हम उसे कॉल कर लेते हैं। हाँ ठीक है, कहाँ है उसका नंबर? हाँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराबर फोन बंद आ रहा है उसका। शामिर, तुले कह रही थी कि उसका सूटकेस भी नहीं है वहाँ पर। क्या बातें किए जा रही हो तुमसे बल? हाँ मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ शामिर, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम ऐसा करो कि सबको फोन करके बुला लो यहाँ पर। उफ मेरा खुदा, ये क्या हो गया? फोन तो बंद जा रहा है उसका। वो अजीब सा बिहेव कर रही थी जब उसने छुट्टियां मांगी। तुम बताओ मेहमत अब क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस को बताएं क्या? और अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और एक घंटे बाद बच्चा वापस आ गया तो शायमा और पुलिस को क्या मुंह दिखाएंगे? ठीक कहा आपने, ये मसला हमें खुद ही सॉल्व करना होगा। लेकिन वाकई शायमा ऐसा कर सकती है क्या? आपने उसे काफी दिन से नहीं देखा, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बदल चुकी है वो। बाबर खान को देखने के लिए जुनूनी हो गई थी, वो बार बार आ जाती थी। यार मैं कुछ बुरा सोचना नहीं चाहती, मगर उसने इम्पोर्टेंट कस्टमर की जिम्मेदारी भी मुझ पर छोड़ दी थी, वो इतनी लापरवाह भी नहीं है। कुछ तो गलत किया है उसने। हाँ कुछ ना कुछ तो किया है उसने, लेकिन कहीं दूर तो नहीं चले गए, कुछ करना दे यार। एक मिनट, सही कहा, मिसाल तो सबके सामने है, कर तो सकती है, ऐसा ही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम यार, असल ड्रामा तो मेरे साथ हुआ है। बच्चा मेरा गायब है इस वक्त, शर्मा गायब है उसको लेकर, उसकी कोई खबर नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है और तुम में से कोई पुलिस को फोन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कसूरवार हूँ, ये सब मेरी गलती है। सब्र करो। क्यों भरोसा किया उस पर, क्यों दिया अपना यार, बच्चा? परेशान मत हो, सब्र करो, कुछ नहीं होगा सर। वैसे भी उसे प्लेन में नहीं जाने दे सकते, बाबर खान की ना आईडी है ना पासपोर्ट, तो कैसे लेके जाएगी वो? लेकिन बस से तो जा सकते हैं निशाने, तो सोचो कहाँ जा सकती है वो? अपनी फैमिली के पास, वर्षा में। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, यानी उफ, एक नई मुसीबत और उसकी भी वजह मैं ही हूँ। मैं आज भी मुसीबतों का बाइस बन रहा हूँ, आज भी। जावियर आराम से, क्यों खुद को थका रहे हो, तुम भी उतना ही भुगत रहे हो जावियर। हाँ वैसे जावियर, अगर हम बस के पीछे पीछे जाएं तो उसे पकड़ सकते हैं। और पता है जब 24 घंटे बाद पुलिस इस केस में इन्वॉल्व होगी तो पता है ना क्या होगा, फिर उसे जेल में डाल देंगे। ये तो होगा, और क्या कर सकते हैं। आराम से सिबिल, कुछ नहीं होगा, मिल जाएगा हमारा बच्चा। ठीक है सिनी, मेरी बात सुनो। मॉम बाबा आप मेरे साथ आइए प्लीज, हम हरीम बस टर्मिनल देखते हैं। फिजा तुम अमरे के साथ जाओ, इसे अंदर बस टर्मिनल।
और जाविया तुम एक काम करो, अपने बाबा के साथ जाओ। तुम्हें फेरी पेयर टर्मिनल जाना होगा, और शामिर तुम देखो बुरसा कौन सी बस जाती है। ठीक है, अब चलें, सबको निकलना होगा। ठीक है, ठीक है, चलो 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 चल